आ जाओ भी दोस्तों, चलो घुमा के लाते हैं आज आपको। और आज जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ आपको, उस जगह का नाम है लुइसविल पार्क। और जिस रोड पे चल रहे हैं हम, ये उसका नाम है हाईवे 503, या यहाँ पर उसको बोलते हैं स्टेट राउट। और ये लगभग 54 मील लंबा है, या समझ लो कि लगभग 87 किलोमीटर लंबा ये हाईवे जिस पर मैं लेके जा रहा हूँ आपको। और वैंकूवर से जब हम लुइसविल पार्क जाते हैं तो वो लगभग 20 माइल के करीब है, या लगभग 32 किलोमीटर समझ लो आप उसको। और वहाँ तक जाने में हमारे को यहाँ से यही कोई 27-28 मिनट लगते हैं, और लिमिट है 50 माइल पर आवर की। लेकिन लोग खूब दौड़ाते हैं गाड़ियाँ, कोई चिंता की बात नहीं दौड़ाने में, जब तक पकड़े ना जाओ। और अगर पकड़ गए तो फिर लगता है तगड़ा जुर्माना। और ये जो जगह है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं अभी, इस जगह का नाम है बैटल ग्राउंड। ये एक छोटा सा शहर है वैंकूवर और लुइसविल पार्क के बीच में। और वो भाई साहब देख रहे हो आप कोने में कुत्ता घुमा रहे हैं, है ना, अगर टट्टी कर दिया कुत्ता तो उठा के लेके जाएंगे घर, कोई चक्कर नहीं कि वहीं करा के छोड़ दी, थैली जेब में होगी उनके, सही बता रहा हूँ। और एक और मज़ेदार बात है यहाँ पर कि जो भी स्पीड लिमिट होती है उससे कम गाड़ी नहीं चला सकते हो आप, क्योंकि अगर उससे कम चलाओगे तो पीछे वाला जो है वो आपकी जान खा जाएगा, फिर वो गाड़ी आपकी गाड़ी में घुसने लग जाएगा पीछे लाके, तो आप समझ जाओगे मैं धीमे चला रहा हूँ। और तेज़ चलाओ, रिस्क है अपना, अगर पकड़ा गए तो जो अपने यहाँ कहते हैं ना कि चालान कट गया, यहाँ पर उसको बोलते हैं टिकट। अगर पकड़ गए तो टिकट मिलता बड़ा लंबा, और बचाने वाला कोई नहीं है। अगर आप राष्ट्रपति को भी फ़ोन करोगे ना और उससे कहो कि मेरे लिए फ़ोन कर दे भैया, मुझे पकड़ लिया यहाँ पर ट्रैफिक वाले ने, तो वो ये कहेगा कि यार मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाऊँगा अगर पकड़ लिया, तो ये है कानून का हिसाब किताब। तो पकड़ गए तो गए काम से फिर समझ लो, और टिकट जो है वो आपके रिकॉर्ड में चढ़ जाता है। एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ अभी आपको। अभी हमारे एक मिलने वाले हैं, तो वो अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया गए थे कार से, हमारे घर आए थे। तो मैंने उनके लड़के से पूछा कि यार बड़ी दूर है कैलिफोर्निया तो यहाँ से, वैंकूवर से, तो गाड़ी तेरे पापा ने भी चलाई क्या? अरे उसने कहा अंकल पापा, हम जब शहर से बाहर निकले तो पापा तो 60 की स्पीड थी वहाँ पर लिमिट, 85 चला रहे थे, पकड़ गए, $300 का जुर्माना लगा। तो मैंने उनसे कहा भैया ऐसा है कि अब तुम बैठ दो भैया, तुम मत चलाओ, तो मैं ही चला के ले गया और मैं ही चला के लाया। तो ये सोच लो ये है हिसाब किताब, यहाँ पर फंस गए तो बस गए काम से, और फिर बचाने वाला कोई नहीं है कहीं तक भी, सही बता रहा हूँ मैं। तो आ जाओ भी दोस्तों, पार्क आ गया है और पार्क में एंटर हो रहे हैं अब, और आप घूमना चाचा के साथ में पार्क। और जो पार्क है वो यार बहुत ही ह्यूज है, 154 एकड़ का, या 154 एकड़ का, नाम है क्लार्क काउंटी लुइसविल पार्क, वहाँ लिखा होगा आपको। और इतना बड़ा पार्क है यार कि पॉसिबल नहीं है कि सारे पार्क की वीडियो बना लूँ। वीडियो तो बनाई थी मैंने, कई छोटी छोटी क्लिप बनाई थी, लेकिन अब यह है कि उसमें से काट छांट कर ये एक 9.5 मिनट की मैंने बनाई है, और बाकी दूसरा पार्ट लगाऊंगा किसी दिन में। तो ये जो पार्क है इसका निर्माण हुआ था 1936 में, और 1986 में, यानी कि लगभग 50 साल के बाद, इसको राष्ट्रीय धरोहर या हिस्टोरिक प्लेस जो है वो घोषित किया गया। और बहुत ही ह्यूज पार्क है यार, जितना बता पाऊंगा छोटे से वीडियो में आपको उतना बता सकता हूँ, और देखो कितना बता सकता हूँ। पार्क में एक ट्रेल या पगडंडी है जिस पे लोग साइकिल चलाते हैं, 2.5 मील की है लगभग वो, और स्विमिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर, फिर व्यू पॉइंट है, पब्लिक रेस्टरूम, पार्किंग, पिकनिक शेल्टर है जो कवर्ड होते हैं, जहाँ नीचे पिकनिक मना सकते हो आप। बोट लॉन्च है एक जगह पर, जहाँ पर जाके अपनी बोट आप नदी में छोड़ सकते हो, फिर उसमें बोट में घूम सकते हो। पिकनिक टेबल्स लगी होंगी हर जगह पर, स्पोर्ट्स एरिया होगा। और पार्क के रेगुलेशन जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर स्कूप लो, टट्टी करेगा कुत्ता उठा के ले आनी पड़ेगी हर हालत में, कुत्ता चेन में होना चाहिए, दारू वारू कोई पीने चक्कर नहीं होता, गुंडागर्दी, कूड़ा फैलाना, थप्तियाँ कसना, डिसऑर्डरली कंडक्ट, कोई किसी भी तरीके का कोई चक्कर नहीं होता, बंदूक लेके आना या फायर आर्म या आग जलाना या पटाखे छुड़ाना और कैंपिंग करना इस पार्क में मना है। और जब मना है तो मना है, क्योंकि अगर नहीं माने
और पकड़े गए तो लगभग 1000 रुपये तक का जुर्माना आपके ऊपर पड़ सकता है, जो आपने बोर्ड पर देख भी लिया होगा अभी। और हाँ, अब जिस जगह पर मैं आने वाला हूँ वहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊँगा, अपनी बकबक बंद करूँगा ना, क्योंकि जब आप उस जगह पर पहुँचोगे तो जो उस जगह की फील है उसको देखना आप कैसी है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें और वो जगह का जो नज़ारा है। इसलिए मैं क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी ये कमेंट्री जो है ना उसे बंद कर रहा हूँ। आप आनंद लो जगह का जब तक। और ये जो नदी आप देख रहे हो ना, ये कोलंबिया रिवर है। जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे उन्होंने कोलंबिया रिवर को देखा होगा। कोलंबिया रिवर की एक शाखा है या उसकी एक ट्रिब्यूटरी है उसकी, एक जो उसमें से निकलती है कोलंबिया रिवर में से। और ये लगभग 95 माइल लंबी है ये जो नदी है, और लगभग 1046 स्क्वायर माइल का एरिया कवर करती है ये। और नदियाँ जो होती हैं यहाँ पर वो लगभग सब एकदम पॉल्यूशन फ्री होती है, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। हालांकि प्लास्टिक का उपयोग यहाँ बहुत होता है, लेकिन सब प्लास्टिक लोग अपने घर के कूड़ेदान में रखते हैं और वो रिसाइकल होने चली जाती है। तो कहीं पर भी कोई इधर उधर कहीं प्लास्टिक जो होती है नदियों में या नालों में या कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की भी कोई गंदगी प्लास्टिक की वजह से दिखाई नहीं देगी, जबकि उपयोग बहुत होता है उसका। विभिन्न विषयों पर आप लोग की फरमाइशें हैं मुझे मालूम है यार, लेकिन यहाँ वक्त ही नहीं है। अब जिसका नंबर आ गया या जो विषय सामने आ गया जहाँ मैं चला गया वो वीडियो में बना देता हूँ, लेकिन बनाऊँगा सबके लिए, उसमें समय लगेगा। और आप समझो यार, उसके बाद मेरी मजबूरी है ना, बुरा लगता है जब आप बार बार मेरे से कहते हो कि आपने बनाया नहीं, बनाया नहीं, बनाया नहीं, बनाया नहीं। हाँ यार, और आप कमेंट्री बंद, जगह की फील लो, आनंद उठाओ जगह का। चलो यार, हो गई यात्रा ख़त्म आज की। और वो सामने एक महिला आ रही है और आखिर में मेरे से कुछ बात करेगी, मेरे से कुछ बोलेगी, तो आप ध्यान से सुनना कि उसने क्या बोला, फिर मेरे को कमेंट बताना, ठीक है ना। चलो फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद किसी और अगले वीडियो में। बाय। I'm just making a video.